टू एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ओके okay? और आज का जो हमारा सेशन है वो है आर आई एम सी जे के मॉक टेस्ट से जो सेकंड ये जो मॉक टेस्ट है इसका सोल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं ओके okay? तो इसको आई विल नॉट टेक इट एज अ क्विज क्योंकि क्विज में थोड़ा सा टाइम लगता है और मैं चाह रहा कि कुछ मैथ के डाउट्स भी मैं अब करूँ तो मैं आपको सोल्यूशन बताता रहूँगा आप लोग क्रॉस चेक कर लेना ठीक है और वीडियो बनने के बाद जो भी आप लोगों के मार्क्स हैं उसको आप सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में ठीक है ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड ठीक है आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो बच्चे आर आरएमएस एम सी आर एम एस सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीनियर स्टूडेंट्स जो एन डी ए सी डी एस ओ टी एफ कैट सी पी एफ ए सी सी और टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ओके आप लोग हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स एज वेल एज हमारा ऐप डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम द प्ले स्टोर ओके और और इफ़ यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉल इन दिस गिवन नंबर्स ठीक है नीचे कुछ नंबर्स दिए हैं आप इन पे फ़ोन कर सकते हैं एंड देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ इजी मंथली इंस्टॉलमेंट आल्सो तो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट का प्रोविज़न है फॉर वन ईयर ऑफ कोर्स ठीक है तो एक साल के कोर्स में यूल गोइंग टू गेट इजी मंथली इंस्टॉलमेंट ओके चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द सेशन सेंड मी लॉट्स ऑफ थम्स प्लीज सेंड मी लॉट्स ऑफ थम्स ठीक है इज फाइन, द वॉइस क्वालिटी एंड द ऑडियो क्वालिटी एवरीथिंग इज फाइन ओके सो आईल नॉट टेक इट एज अ क्विज क्योंकि मैंने एक ही पेज में फोर क्वेश्चन क्विज के लिए एक एक क्वेश्चन एक पेज में होना चाहिए ठीक है चलो सो एवरीथिंग इज़ फाइन ठीक है चलो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम लोग इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं ठीक है तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप देख लीजिए ओके okay, अच्छा साफ साफ दिया है दैट ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क ठीक है हर एक सवाल एक नंबर का उसके अलावा टाइम वन आवर ठीक है मैक्सिमम मार्क्स सेवेंटी फाइव और पासिंग मार्क्स होते हैं आपके फिफ्टी परसेंट ठीक है फिफ्टी परसेंट इज द पासिंग मार्क चलो ओके सो शेल वी स्टार्ट नाउ आज का सेशन शुरू करें तो आपके कमेंट्स देखने के लिए आई हैव टू यूज अनदर फोन नाउ ठीक है तो ज़्यादा बेटर रहेगा ओके okay. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ओके ठीक है okay? अच्छा पहला क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन ओके पहला क्वेश्चन है द आर बी आई हैज़ इशूड ओके अ विड्रॉल लिमिट ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड फॉर द अकाउंट होल्डर्स ऑफ विच बैंक चार ऑप्शंस दिए हैं आपको फोर ऑप्शंस आर गिवन एक्सिस बैंक एच डी एफ सी येस बैंक और इंडस इंड बैंक

ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ठीक है तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ओके सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ओके सो द आंसर इज बिमल जुलका वेरी गुड ठीक है बी बिमल जुलका इज द राइट आंसर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ओके okay? बिमल जुल्का इज द राइट आंसर ओके आगे बढ़ते हैं ठीक so है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी Who has been appointed as a new finance secretary? Okay, the answer is Ajay Bhushan Pandey. Very good. Okay, so lots of students are giving the right answer. Sahi jawab de Question: Cricketer has topped the latest women's T20 international batting rankings. फोर्थ का क्या आंसर होगा ओके यस द आंसर इज शेफाली वर्मा ठीक है शेफाली वर्मा इज द राइट आंसर ठीक है शी हैज टॉप द लेटेस्ट वीमेंस टी ट्वेंटी इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग ओके आगे बढ़ते हैं अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव है विच प्लेज has been designated as the summer capital of the Uttarakhand. Okay, Rahul Mishra has given the right answer first. ठीक है It's Gairsen. ठीक है इसके ऊपर हमने एक डिस्कशन एक भी किया था जो हमारे आर आई एम के स्टूडेंट्स या सैनिक स्कूल या आर एम एस के स्टूडेंट्स जो आते हैं पढ़ने के लिए तो हम उनका एक जी डी करवाते हैं और उसको हम YouTube में भी डालते हैं तो आपने देखा होगा लॉकडाउन से पहले इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड डिस्कशन भी हुआ एक ओके okay. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं वट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द नेम ऑफ नासाज रोवर फॉर मार्स मिशन 2020 प्रोस्पेक्ट इनोवेशन कॉल परजीवरेंस ओके सो द राइट आंसर ओके दिया द नासा हैज नेम्ड द रोवर मेड फॉर इट्स मार्स मिशन हैज पर ओके अगले क्वेश्चन में आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन है विच इंटरनेशनल मैगजीन हैज इंक्लूडेड इंदिरा गांधी इन द हंड्रेड वुमेन ऑफ द एयर लिस्ट ओके

सो so, वरद सेवेंथ जी करके नाम आ रहा है ओके आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नाम अली बाबा ठीक है सो जैकमा यू शुड नो दैट ही इज़ द को फाउंडर एंड द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अली बाबा ग्रुप एंड इज़ द richest रिचेस्ट मैन इन एशिया ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ठीक है अगला क्वेश्चन बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर Question number nine is the World Health Organization, WHO, recently categorized coronavirus as which of the following? This is very easy. Pandemic, epidemic, endemic, miasmatic. Pandemic is the right answer. So Arjun Arya, I think. So Lehri Singh Arya Likhava nam. I think his name is Arjun Arya. Pandemic is the right answer. The answer is pandemic. ठीक है यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस दैट डब्ल्यू एच ओ डिक्लेयर्ड कोविड नाइन्टीन अ ग्लोबल पैंडमिक ऑन मार्च इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी ओके एंड बेसिकली ट्रिगरिंग ग्लोबल ट्रैवल बैंस ऑल्सो उसके बाद जो ग्लोबल ट्रैवल है उसको बैन भी कर दिया गया और बहुत ही रैपिडली स्प्रेड किया कोविड नाइन्टीन ठीक है अक्रॉस द वर्ल्ड इसलिए ये एक पैंडमिक है ठीक है ओके अर्जुन चलो क्वेश्चन नंबर टेन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर टेन इंपॉर्टेंट है बच्चे ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं आयुष सिंह पहले ही आंसर दे रहे हैं प्रकाश चंद्र साहू ने भी ऑलरेडी आंसर दे दिया है सो विच विच अमंग द फॉलोइंग सीनियर कांग्रेस लीडर्स ज्वाइन द बीजेपी ऑन मार्च इलेवन ट्वेंटी द आंसर इज ज्योतिर आदित्य सिंधिया ओके सी इज द राइट आंसर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके सिंधिया स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं इट्स नॉट सांडिया इट्स सिंधिया एस सी आई एन डी आई ए ठीक है सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ओके यू शुड नो अबाउट हिम दैट फॉर्मर कांग्रेस लीडर रह चुके हैं ठीक है और ही फॉर्मली ज्वाइन द भारतीय जनता पार्टी इन द प्रेजेंस ऑफ बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ऑन मार्च इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी ओके और उन्होंने ऑफिशियली रिज़ाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस से मार्च नाइन को ठीक है कम से कम अठारह साल ये कांग्रेस में रहे और दिसंबर 2001 में ये इन्होंने ज्वाइन करा था कांग्रेस पार्टी ठीक है तो अब ये बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं ओके थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए इतना काफ़ी है वैसे क्वेश्चन नंबर इलेवन आ जाओ सो विच कंट्री विटनेस्ड द स्वेयरिंग इन ऑफ टू presidents ऑन मार्च टेन ट्वेंटी ट्वेंटी बच्चे अफगानिस्तान कह रहे हैं। कुछ बच्चे रशिया कह रहे हैं। ओके सो द आंसर इज अफगानिस्तान ओके सो बेसिकली अफगानिस्तान सॉ डबल स्वेरिंग इन ऑन ऑन मार्च टेन ट्वेंटी ट्वेंटी ओके विथ इनकम्बिंग प्रेजिडेंट अशरफ घानी ठीक है सॉन इन फॉर अ सेकेंड टर्म एंड इज राइवल अब्दुल्ला ऑल्सो सोन इन अ पार्लल इनाग्रेशन ठीक है सो द आंसर इज अफ़गानिस्तान ओके अच्छा अगला सवाल क्या है अगला सवाल है विच कंट्रीज पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट अलाउज द प्रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू बी इन द ऑफिस टिल टू थाउजेंड थर्टी सिक्स चार कंट्रीज हैं ऑप्शन में नॉर्थ कोरिया बी चाइना सी कनाडा डी रशिया ओके सो राहुल मिश्रा एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर द आंसर इज़ रशिया डी ओके रशियाज़ बेसिकली उसका जो लोअर हाउस है उसने अप्रूवल दिया है इस प्रपोजल के लिए ठीक है तो व्लादिमिर पुतिन का जो टेन्यर है उसको बढ़ा दिया गया है अब वो राष्ट्रपति रह सकते हैं दो तक टू ओके okay? ओके okay, चलो तो बच्चों को मालूम है व्लादिमिर पुतिन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ओके चलो अगले सवाल पे आते हैं ठीक है अगला सवाल इज इम्पॉर्टेंट ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्टीन ध्यान देना क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाज़ मिसिंग ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाज़ मिसिंग इन द क्विज और इन इन दिस एग्ज़ाम ओके जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था उसमें यू विल फाइंड देर इज नो क्वेश्चन नंबर थर्टीन ट्वेल्व के बाद डायरेक्टली फोर्टीन है इसलिए आई आईव सेंड इट ठीक है सेपरेटली तो बच्चों ने उसके आंसर आंसर उसी समय दे दिया था सो नेम द फर्स्ट क्रिकेटर हुज प्लेड हंड्रेड मैचेज इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स टेस्ट वनडे इंटरनेशनल टी ट्वेंटी द आंसर इज रॉस टेलर डी फ्रॉम विच कंट्री विल गोइंग टू टेल रॉस टेलर फ्रॉम विच कंट्री आवाज आ रही है रॉस टेलर फ्रॉम विच कंट्री मास्किंग ओके हर्ष हैज गिवन इट राइट ठीक है न्यूजीलैंड अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रिसेंटली वन द बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ओके चलो ये सवाल बहुत दक्ष जामवाल प्रकाश चंद्र साहू लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स द आंसर इट्स पी वी सिंधु ओके सो पी वी सिंधु हैज़ बीन वोटेड एज द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ठीक है टू थाउजेंड नाइनटीन सिंधु ओके एंड एंड शी हेज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू डू सो ओके पहली आपकी इंडियन वुमेन प्लेयर है ओके okay. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज वेरी इजी द सेंटर विल सून रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ विच यूनियन टेरिटरी ओके जम्मू एंड कश्मीर तो सारे बच्चे अवेयर हैं इस बारे में ठीक है जिन के इज द राइट आंसर ए ओके अमित शाह ने अनाउंस किया था कि जम्मू कश्मीर को उसका जो स्टेटहुड है वो मिल जाएगा बहुत जल्द ठीक है एंड बी नो चेंज इन द डेमोग्राफिक्स ऑफ द रीजन ठीक है तो रीजन की जो डेमोग्राफिक्स है विल बी नो चेंज राजेश पौराणिक इज सर प्लीज टेक माय नेम ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज विच स्टेट रिसेंटली रिमूव्ड कोटा इन प्रमोशन फॉर एस सी एस टी एम्प्लॉयज मेहरप्रीत हैज गिवन इट फर्स्ट सिक्सटीन का आंसर है उत्तराखंड ठीक है ए सो द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर एस सी एस टी एम्प्लॉयज इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स ओके ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आते हैं question number 17 is which nation has initiated the first human trial to evaluate vaccines against covid-19? okay, chello. so we okay, the answer is united states. okay, us. so, basically it has initiated the first human trial of the covid-19 vaccine in seattle. okay, there is a place seattle. and the trial basically will be carried out on 45 healthy adult volunteers aged between 18 to 55 years, okay? and approximately for six weeks, okay? next is which team won this year's ranji trophy title? ये भी अच्छा सवाल है एग्जाम में आता है काफी रणजी ट्रॉफी हर्ष खुम्बरे हैज़ गिवन द राइट आंसर इट्स सौराष्ट्र ओके सो बेसिकली सौराष्ट्र हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन मार्च थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी बाय क्लिंचिंग देयर मेडन रंजी ट्रॉफी टाइटल आफ्टर बीटिंग बंगाल ओके दिस इज द टीम्स फर्स्ट एवर टाइटल इन द लास्ट सेवेंटी ईयर्स ओके पहला रणजी है इनका पिछले सेवेंटी ईयर्स में सौराष्ट्र इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएटेड है काफी अच्छे चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने में अगला सवाल विच नेशन चेयर द फर्स्ट वर्चुअल सममिट ऑफ जी ट्वेंटी नेशंस ठीक है वर्चुअल समिट ओके चलो सारे सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं द आंसर इज सऊदी अरेबिया ठीक है सो बेसिकली रिसेंटली सऊदी अरेबिया चेयर्ड अ वर्चुअल समिट ऑफ द जी ट्वेंटी नेशंस ओके एंड बेसिकली द की एम वाज़ टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स ऑफ द जी ट्वेंटी इकनॉमीज एंड बेसिकली टू डिस्कस ऑन द करेंट सिचुएशन ओके ऑफ पैंडमिक बेसिकली सराउंडिंग द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के बारे में बातचीत हुई ठीक है सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर नाइनटीन ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको डी भी कहते हैं हैज़ अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मेनी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट चलो बच्चों ने सही आंसर दिया है सो बेसिकली इट इज अप्रूव्ड द प्रोपोजल टू प्रोक्योर एटी थ्री इंडिजीनियसली मेड तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट ओके फॉर इंडियन एयरफोर्स ओके तो ये जो मूव है कहीं ना कहीं ये बूस्ट देगा मेक इन इंडिया के कैम्पेन को जो इंडिया का मेक इन इंडिया कैम्पेन है उसको बूस्ट जरूर करेगा ठीक है तेजस फाइटर और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एयरक्राफ्ट बनाती है विथ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन which indian organisation made all these aircrafts hl very good varad hindustan aeronautics limited hl okay आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे आ जाओ ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड विच स्कीम फॉर द पुअर अमित कोरोना वायरस लॉकडाउन ठीक है गरीब कल्याण अन्न योजना ठीक है पूर्ण योजना इट्स पूर्ण ओके इट्स पी यू आर एन ए पूर्ण योजना गृह कल्याण योजना और अन्नदाता संपर्क योजना ठीक है कभी कभी ये जो स्कीम्स हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं सो द राइट आंसर इज गरीब कल्याण अन्न योजना ओके okay? ए ठीक है गरीब कल्याण अन्न योजना इज द राइट आंसर सो अंडर दिस स्कीम एट्टी करोड़ पुअर पीपल विल बी गिवन फाइव के जी ऑफ वीट और फाइव के जी ऑफ राइस फॉर थ्री मंथ्स बेसिकली ओके अपार्ट फ्रॉम दिस वन के जी ऑफ पल्स विल ऑल्सो बी गिवन ओके वॉइस ठीक आ रही है कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज स्पीक लाउडम स्पीकिंग लाउडली ओनली ओके अगले क्वेश्चन में आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू so which company has set up India's first 100 bed COVID-19 dedicated hospital? Okay, so the answer is Reliance Industries, ठीक है? आसान सवाल है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं that basically it has set up India's first COVID-19 dedicated hospital in Mumbai, ठीक है? जिसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज सब अवेलेबल, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है नेम ऑफ न्यू वायरस दैट है ओके कोविड नाइनटीन के बीच में इस वायरस का भी नाम आया था सो एडीनो वायरस हंता वायरस मेगा वायरस और एप्सटीन बार वायरस ओके हर्ष कुंबरे इज गिवन द राइट आंसर ठीक है द आंसर इज हंता वायरस ओके okay, एक इंसान की डेथ भी हुई थी इस वायरस के वजह से बेसिकली मार्च uh, की बात है मार्च 23 अराउंड सो व्हेन व्हेन दिस मैन वाज टेस्टेड पॉजिटिव ओके एंड ही डाइड लेटर और बेसिकली ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू कांटेक्ट विथ रोडेंट्स ओके okay? एंड देयर यूरिन स्लाइवा और फीकेस बोलते हैं जो उनका वेस्ट मटीरियल है तो वहाँ से ये ट्रांसमिट करता है ये वायरस रोडेंट्स का मतलब है खासकर रैट्स चूहे ठीक है और भी बहुत सारे रोडेंट्स हैं हंता वायरस इज द राइट आंसर ठीक अच्छा, है अच्छा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है वेन इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब एवरी ईयर आर्यन प्रजापति सिंह टेक माई नेम ओके बच्चों ने आंसर दे दिया इट्स ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च ओके बेसिकली वर्ल्ड वाटर डे एनुअली ऑब्जर्व करते हैं हम ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च सो डी इज द राइट आंसर ओके अच्छा इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है यू शुड नो द थीम ऑल्सो ठीक है कभी कभी एग्जाम में थीम भी पूछता है ठीक है तो इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड वाटर डे में वो थी लिविंग नो वन बिहाइंड ठीक है लिविंग हाइंड ओके तो कभी कभी चार ऑप्शन आते हैं थेम भी आपसे पूछता है ओके okay. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है वेन इज वर्ल्ड ट्यूबर Day डे ऑब्जर्व एवरी ईयर

ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मार्च एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड ठीक है चलो अच्छा हु विल गोइंग टू टेल टीबी कैसी बीमारी है वायरल है बैक्टीरियल है इसका पैथोजन क्या है वायरस है बैक्टीरिया है फंगी है हु टेल वट इज इट्स पैथोजन बच्चे वायरस बोल रहे हैं जिथिन रंगानी सिंह बैक्टीरियल सो बैक्टीरियल इज द राइट आंसर ओके एक माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम होता है ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे अगला सवाल है डब्ल्यू एच ओ हैज बिडन अ ग्लोबल मेगा ट्रायल ऑफ फोर ड्रग्स टू फाइंड अ कोविड नाइनटीन वैक्सीन सो द नेम ऑफ दिस ट्रायल ओके इस ट्रायल का नाम क्या है सो वट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायल ओके द आंसर इज सॉलिडेरिटी ठीक है द नेम ऑफ द ट्रायल इज सॉलिडेरिटी ओके अंडर विच बेसिकली टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटीडोड विल बी डन ठीक है टेस्टिंग होगी और एंटीडोट बनाया जाएगा ओके okay. अगला सवाल आ जाओ अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है सो विच टू नेशंस आर इन्वॉल्व इन द कुरिल आइलैंड्स डिस्प्यूट रशिया जापान जापान एंड नॉर्थ कोरिया चाइना एंड यूक्रेन इंडोनेशिया फिलीपींस सो द आंसर इज रशिया एंड जापान ओके ए इज द राइट आंसर आप जरूर मैप में देखिएगा बेसिकली जो एक कुरिल आइलैंड का जो डिस्प्यूट है रशिया और जापान के बीच में है खासकर नॉर्दर्न टेरिटरी का ये डिस्प्यूट है आप देखिएगा ठीक है तो जो कुरिल आइलैंड्स की जो चेन है बेसिकली वहाँ पर ये डिस्प्यूट है ओके तो ये लोग क्लेम करते हैं अपनी सोवरेनिटी ठीक है जो चार सदर मोस्ट आइलैंड है कुरिल चेन की आप देखना इसको ठीक है ओके okay. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इज वट इज इंडियाज रैंक इन यू एनस एट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी विच कंप्राइजेस ऑफ वन फिफ्टी सिक्स कंट्रीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वट इज इंडियाज रैंक ओके मेहरप्रीत हैज गिवन द राइट आंसर इट्स वन फोर्टी फोर ठीक है तो अगर मैं रैंक की बात करूं अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करो तो फर्स्ट कंट्री कौन सी होगी फर्स्ट कंट्री है फिनलैंड ओके सेकंड आपको टॉप थ्री मालूम होनी चाहिए सेकंड इज डेनमार्क ओके एंड थर्ड इज स्विट्जरलैंड ओके अगले सवाल पे चलते हैं आई प्रोवाइड यू इट्स पीडीएफ डोंट वरी ठीक है इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आई डी एफ जिसे बोलते हैं इट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन मार्च ट्वेंटी वन सो व थीम ठीक है so, the थीम the आपसे बहुत पूछता है द थीम इज फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी ओके okay, सी तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है सी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी ओके ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्टी नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट पुलिस इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस टेजर गन्स ठीक है टेजर गन्स इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती है ठीक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगता है स्टन गन भी बोलते हैं तो कौन सी इंडियन स्टेट पुलिस है जो टेजर गन्स का यूज कर रही है ओके तापसी दास हैज गिवन द राइट आंसर द राइट आंसर इज गुजरात ओके गुजरात पुलिस इज बेसिकली फर्स्ट इन द कंट्री टू बी इक्विप्ड विथ टेजर गन्स एज अ पार्ट ऑफ पुलिस वेपन्स ओके इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक ठीक है और बहुत सारी एजेंसीज में टेजर गन्स यूज होती हैं यूके uh, की जो पुलिस है मेट्रोपॉलिटन पुलिस बोलते हैं लॉस एंजलिस की जो पुलिस है ठीक है न्यूयॉर्क की जो पुलिस है ये लोग सब यूज़ करते हैं ओके सो द आंसर इज डी गुजरात ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे आए नेम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया विच टू बिगिन सप्लाई ऑफ बी एस सिक्स फ्यूल अक्रॉस द कंट्री ठीक है okay? so ओके वेरी गुड आई इज द राइट आंसर प्रदुमन कुमार हैज गिवन इट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है अगले सवाल पे आ जाओ अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग आर द विनर्स ऑफ एबल प्राइज 2020 ये भी इंपॉर्टेंट है एबल प्राइज 2020 ठीक है तो इसमें द आंसर इज डी बोथ ए एंड बी ठीक है इसको आप ध्यान रखिएगा ओके तो इसमें एक आपके हिलेल फर्स्ट टेंबर हैं और ग्रेगरी ग्रे ग्रे मार्गुलिस हैं ठीक है थीके? ओके बोथ ए एंड बी रिमेंबर इट ओके ठीक एग्जाम में आने के चांसेस हैं नेम द मेडिसिन विच वॉज रिकमेंडेड बाई नेशनल टास्क फोर्स फॉर नोवल कोरोना वायरस कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आई सी एम आर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स हु ट्रीट्स कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स ओके मॉक्सीलिन हाइड्रोक्लोरोविन वेरी गुड बी इज द राइट आंसर हाइड्रोक्लोरोविन ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है चांसेस हैं आने के ओके okay. इड्रोक्लोरोक्विन अगला सवाल है शिवराज सिंह चौहान हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर फॉर द फोर्थ टाइम टू विच इंडियन स्टेट दिस दिस वन इज आल्सो इजी मध्य प्रदेश ओके ठीक है दोनेश हैज़ गिवन अर्नव गर्ग हैज गिवन हर्ष कुंबरे ठीक है द आंसर इज मध्य प्रदेश एम पी ठीक है इजी सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इज द वर्ड ट्यूबर क्लोसेस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन मार्च ट्वेंटी फोर दिस वे ऑलरेडी सीन थीम देख लेते हैं वट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड टीबी डे ठीक है वट इज द थीम थीम इज इट्स टाइम बी ठीक है सो डो रिमेंबर इट थीम क्या है इट्स टाइम ठीक है सो दिस इज द थीम ऑफ द ईयर 2020, ओके okay. आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है नेम द पर्सन हु रिटन द बुक टाइटल्ड लेगेसी ऑफ लर्निंग ऑप्शन है खुशवंत सिंह सविता छाबड़ा शशि थरूर चित्र बैनर्जी, दीपक करुणी, ओके okay. द राइट आंसर इज बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं द राइट आंसर इज सविता छाबड़ा ओके सविता छाबड़ा एक आंट्रप्र है एक बिजनेस वुमेन है और इन्होंने बुक ऑथर करी है ठीक है सविता छाबड़ा ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है नेम द इंडियन स्टेट गवर्नमेंट विथ सेटअप टीम इलेवन टू बीट कोरोना वायरस द आंसर इज सी उत्तर प्रदेश ठीक है इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर बेसिकली इट्स चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है सेटअप टीम इलेवन जिसमें कुछ इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बनाई गई जिसमें लगभग बारह सीनियर ऑफिसर्स थे ओके बेसिकली इनऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस स्प्रेड ओके okay. अगला सवाल इंपॉर्टेंट है भी नेम द कंट्री विच हैज्वाइंड एज द थर्टी एथ ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाटो कहते हैं ओके इन मार्च 2020 कोसोवो सर्बिया यूक्रेन नॉर्थ मेसिडोनिया द आंसर इज नॉर्थ मेसिडोनिया ओके और द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसिडोनिया इंपॉर्टेंट है डी इज द राइट आंसर स्कंद तिवारी ने सही जवाब दिया है शाश्वत तापसी ओके इट्स नॉट यूक्रेन अच्छा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन दिंदू प्राइज टू थाउजेंड बेसिकली ये जो प्राइज है ये दिया जाता है uh, इन ऑर्डर टू ऑनर द राइटर्स ठीक है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ आ, अपने आ, राइटिंग पे आ, दे दी है ठीक है तो राइटर्स को ये ऑनर दिया जाता है हिंदू प्राइज ठीक है फिक्शन और नॉन फिक्शन के लिए ये मिला है मिर्जा वाहिद को और साथ में और साथ में ये मिला है आ, मिर्जा को और शांतनु दास को तो सो द आंसर इज डी बट इट्स नॉट ए एंड बी ठीक है ए एंड सी विल बी द राइट आंसर डी ठीक है तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई इट्स नॉट ए एंड बी इट्स ए एंड सी ठीक है शांतनु दास और मिर्जा वाहिद नाम याद रखिएगा ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी इज अगेन इंपॉर्टेंट पूरे चांसेस है एग्जाम में आने में वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लोकेटेड सो इट इज़ लोकेटेड इन एट पुणे विच इज़ इन महाराष्ट्र ना पुणे ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में आपसे पूछा है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इट्स हेड क्वार्टर इज इन दिल्ली ओके तो हेडक्वार्टर इज इन डेली न्यू डेली ओके अगला सवाल है हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ आई ठीक है आई का डायरेक्टर कौन है द आंसर इज बलराम डॉक्टर बलराम भार्गवा ओके सी अच्छा अगला सवाल है बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ये तो इजी है वी ऑलरेडी नो इट्स यूनाइटेड किंगडम ठीक है न्यूज में इसलिए था क्योंकि मार्च में बोरिस जॉनसन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड नाइनटीन ना ओके सो दैट्स ओकेट इज इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इज वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन आई टी यू लोकेटेड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वेयर इज इट्स हेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आई ओके इसका हेडक्वार्टर का है ओके इट इज इन जिनेवा ठीक है जितिन रंगानी हैज गिवन जिनेवा इन स्विट्ज़रलैंड, ओके ओके okay, सो so 88 पीपल आर वाचिंग राइट नाउ ओनली 82 लाइक्स एंड देर आर टू डिसलाइक्स आल्सो 90 पीपल आर वाचिंग फटाफट से लाइक करो देन आई विल प्रोसीड ओके अगले सवाल पे चलते हैं Question number forty-five: Wings India 2020, an international exhibition and conference based on theme "Flying for All," held at which Indian city? Okay. So the answer is Hyderabad. Okay. So the answer is Hyderabad. Okay. Daksh Shamwal is saying, sir. Please take my name. ओके okay, चार दिन का इवेंट था विंग्स इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी फ्लाइंग फॉर ऑल ठीक है अच्छा नेम द इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हुन सिंगल वन इन टाइटल इन आईटीटीएफ व्हिच इज इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंजर प्लस ओमान ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी चार ऑप्शन हैं आपके पास एंड द राइट आंसर इज शरद कमल ओके ए शरद कमल इज द राइट आंसर So he is a professional table tennis player, okay? He is from Tamil Nadu. Tamil Nadu. Okay. 47 47 is the person who has won the men's sing singles title in the 112th.

विल कौन बैडमिंटन का शौकीन है यहाँ पर ठीक है किसकी हॉबी है बैडमिंटन प्लेइंग बैडमिंटन मेरी तो है अब मैं देखता हूँ और किसकी हॉबी है सो इज फ्रॉम विच कंट्री विक्टर एलेक्सन आ सकता है एग्जाम में कौन सी कंट्री जितिन रंगानी सिंह रशिया नहीं सो विनायक राणा विनायक राणा हैज़ गिवन द राइट आंसर इज फ्रॉम डेनमार्क ठीक है सो विनायक राणा विनायक राणा ने सही जवाब दिया है डेनमार्क इज फ्रॉम डेनमार्क ठीक है इंपॉर्टेंट है ओके okay. अच्छा विमेन सिंगल्स में भी मैं लिख लेता हूं ठीक है विमेन सिंगल्स में जो जीती उनका नाम है ताई ठीक है आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं ठीक है लेकिन हमें एग्जाम के लिए याद रखना है एंड इज़ फ्रॉम चाइनीज ताइपी ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इज टू विच कंट्री इंडिया इज अश्योर टू प्रोवाइड ग्रांट ऑफ सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव मिलियन इन इंडियन रुपीज टू कंस्ट्रक्ट थ्री स्कूल्स ठीक है तो हम लोग हेल्प कर रहे हैं नेपाल की ठीक है डी नेपाल इज द राइट आंसर बच्चे पूछ रहे हैं सर आर आई एम सी में कोई नेगेटिव मार्किंग होती है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप जीके के पेपर में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अगर आपको कोई नहीं भी आता है तो उसको भी जरूर अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा ठीक है क्योंकि देर इज नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पे आते हैं कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कवर करें ओके अदनान अल जुर्फी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ठीक है द आंसर इज इराक ठीक है बी इज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हु हैज रिटन द बुक इनविंसिबल अट्रीब्यूट टू मनोहर पारिकर ठीक है द इनविंसिबल विंसिबल अट्रीब्यूट टू मनोहर पारिकर द आंसर इज तरुण विजय इज द राइट आंसर ओके तो बेसिकली उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ठीक है और ये जो बुक है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रिलीज़ करी सिक्सटीन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी को और फिर ये जो बुक है वो नितिन गडकरी जी ने जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बुक राष्ट्रपति को प्रेजेंट करी राष्ट्रपति भवन पे ठीक है उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी बेसिकली मनोहर पारिकर की जो पहली डेथ एनिवर्सरी थी उस दिन यस yes. एक्स डिफेंस मिनिस्टर थे ठीक है और काफ़ी टाइम गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रहे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन पे आ जाओ सो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एम्पायर्स वुमेन आर बीइंग पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट पैनल ओके तो इसमें वृंदा राठी है जीएस लक्ष्मी है और जनानी नारायणन है सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर तीनों ही आपके इंडियन अम्पायर्स हैं And, and they are being the part of international panel of ICC. Okay. Okay. The next question is also important. Name the first Indian who climbs highest volcanoes of all the seven continents and entered into Limca Book of Records. Okay. सो नेम द फर्स्ट इंडियन हू क्लाइम्स सो द आंसर इज सत्यूप सिद्धांत ए इज द राइट आंसर ओके सो सत्यरूप सिद्धांता बेसिकली हीस फ्राम वेस्ट बेंगाल ठीक है तो कोलकाता वेस्ट बेंगाल से बिलोंग करते हैं थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड ठीक है तो इनका ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट है और ये पहले इंडियन भी है जिन्होंने सेवन कॉन्टिनेंट इन्होंने क्लाइम करें वेदांत कुमार माने जा का पेपर ओएमआर शीट में करना होता है क्या नहीं ठीक है ओएमआर शीट में नहीं क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करते हैं आप लोग और आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता जीके का ठीक है यू डोंट गेट the question paper of gk in rmc exam theek hai i'm talking about rmc exam okay so students are asking sir aap solution kaise bataoge तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं वो आप mark कर लो ठीक है तो बच्चे फिर मुझे अब तो टेलीग्राम में इतने सारे बच्चे जुड़े हैं तो अगर हर एक बच्चा पाँच पाँच क्वेश्चन भी नोट करता है ठीक है तो कुछ बच्चों को मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा अगर उनको पाँच पाँच क्वेश्चन भी याद हैं ठीक है थीके? तो आराम से पंद्रह बच्चे पूरे सेवेंटी फाइव क्वेश्चन को भेज सकते हैं टेलीग्राम में और फिर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं ठीक है थीके? ओके कोई मिस्टेक आई अगर मार्किंग में याद रखना मिस्टेक आई मार्किंग में तो क्या मिस्टेक आई तो ये सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हैं ओके आगे बढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इज नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक मसिया मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ओके तो इसका जो आंसर है वो है तलवीन सिंह ठीक है एक जर्नलिस्ट हैं ऑथर भी हैं ओके द आंसर इज तलवीन सिंह डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर है द थीम फॉर वर्ड्स डे इज़ आई लव स्पैरोज़ द वर्ड्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द आंसर इज मार्च ट्वेंटी ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव पे आ जाओ फूल दे फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ठीक है फूल दे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है संजय गांधी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में आसान सवाल है संजय गांधी नेशनल पार्क ओके इट इज इन महाराष्ट्र वेरी गुड वेदांत कुमार माने हैज़ गिवन इट ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन सो वेर इज द हेडक्वार्ट ऑफ आई टी टी एफ विच इज इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन लोकेटेड एट ठीक है सो द राइट आंसर इज लॉसेन विच इज इन स्विट्जरलैंड ठीक है डू रिमेंबर दिस ठीक है ऐसे एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं अगला है हु इज द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी एंड द आंसर इज मानो सहानी ठीक है बी अगला क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन पे फोकस करो military exercise african lion is conducted between which two countries african lion so the answer is united states and morocco okay question number 60. question number 60 is name the person who has become the first player in the world to play 500 t20 matches आंसर इज किरोन पुलाड ओके तो पुलाड कौन से कौन से कंट्री से है पुलाड इज फ्रॉम विच कंट्री ओके सो इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज ठीक है सो बेसिकली वेस्ट इंडीज का स्कीपर है पोलार्ड एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टी ट्वेंटी क्रिकेट टू फीचर इन फाइव हंड्रेड मैचेज ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन पे आइए ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन इज छपछार बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट छः मार्च को बनाया जाता है एंड द आंसर इज मिजोरम ठीक है तो फेस्टिवल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं ठीक है तो इसलिए मैंने आपको ये दिया है उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड नाइन्थ एडिशन ऑफ रेस्क्यू एक्सरसाइज सार एक्स ओके टू कंडक्टेड एट विच इंडियन स्टेट कोस्ट गार्ड गोवा में ठीक है गोवा इज़ द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड थ्री इयर ओल्ड एथलीट हु गॉट नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड फॉर टू थाउजेंड नाइनटीन फॉर हर अचीवमेंट्स इन एथलेटिक्स द आंसर इज मान कौर ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है नेम द Person who has become the youngest cricketer to play an ICC World Cup finals. Name the person who has become the youngest cricketer to play any ICC World Cup finals. So the right answer is Shefali Verma again. so.

अगला सवाल नेम द पर्सन हु इज़ वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड टू आई थिंक ये हमने रिपीट कर दिया ठीक है ओके दिस आई थिंक दिस हैव ऑलरेडी डन ना, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी आंसर इज पी वी सिंधु वेरी गुड क्वेश्चन सिक्सटी सेवन पे नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक लेडी यू आर द बॉस किरण देसाई अनीता नायर तहिरा कश्यप आंसर इज प्रोहित ठीक है ऑथर्स के नाम याद रखना नेक्स्ट बॉक्सर्स क्वालिफाइड टू टोक्यो ओलंपिक्स 2020 फ्रॉम द एशियन ओशियनियन बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालीफायर्स इवन ट्वेंटी ट्वेंटी एट अमान ठीक है विच इज इन जॉर्डन सो द आंसर इज नाइन ठीक है आंसर इज नाइन डी इज द राइट आंसर तो नौ इंडियन बॉक्सर्स क्वालिफाई किया है इन्होंने टोक्यो ट्वेंटी ट्वेंटी ओलंपिक्स के लिए ठीक जिस है जिसमें पहले हैं अमित पंगल यू शुड रिमेंबर ऑल द नेम्स ठीक है आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सारे किससे रिलेटेड हैं बॉक्सिंग से रिलेटेड है ठीक है फिर सेकंड है मनीष कौशिक इसमें थर्ड है विकास कृष्ण क्रिश, कृष्ण यादव विकास कृष्ण यादव ओके इसमें फोर्थ है आशीष कुमार इसमें फिफ्थ हैं सतीश कुमार इसमें सिक्स है मैरी कॉम इसमें सेवेंथ है सिमरनजीत कौर बाट सिमरनजीत कौर बाट एर्थ है इसमें लवलीना बोर्गो हैं ओके इन द लास्ट इज पूजा रानी नाइन्थ वन इज पूजा रानी ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स नाइन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर इज़ नेम द इंडियन सिटी विच इज गोइंग टू होस्ट द सिक्स्थ इंटरनेशनल योगा डे ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून द आंसर इज ले इज़ द राइट आंसर ठीक है ले ठीक है तो ध्यान रखना अगला सवाल है वेयर इज भोगापुरम एयरपोर्ट लोकेटेड अच्छा ये कौन बताएगा भोगापुरम वेर भोगापुरम एयरपोर्ट लोकेटेड सो भोगपुरम इट इज इन ओके आंध्र प्रदेश एपी इज द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इसमें है अतुकल पोंगाल द वर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वुमेन

तो जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री इज नेम द फर्स्ट ट्रेन विच इज ऑपरेटेड बाय प्राइवेट प्लेयर इन इंडिया दिस आल्सो इंपॉर्टेंट ओके बहुत आसान है इसका आंसर आंसर इज सभी बच्चों बच्चों को बतावा द आंसर इज तेजस एक्सप्रेस ठीक है न्यूज़ में आया भी था एग्जाम में आने के चांसेस हैं वेरी गुड हर्ष हैज गिवन द राइट आंसर तेजस ओके द जेवर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी द आंसर इज उत्तर प्रदेश ठीक है और ये पहला फेज़ है जो इसका एयरपोर्ट का ये इंक्लूड uh, हो रहा है वर्ड्स के हंड्रेड स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत और जब ये बन जाएगा तो इट विल बी द एशियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर चाइनाज शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है तो इट इज़ इन उत्तर प्रदेश डू रिमेंबर दिस ओके जवाहर एयरपोर्ट ठीक है और क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव लास्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स इन स्वराज्य अवार्ड्स 2020 और इसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं सर सर्बनंदा सोनोवाल ठीक है सर्ब, सोनो ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं okay it's j e w a r okay so सो वी आर डन विथ दिस इसमें एक, एक सवाल है प्रदुमन का ठीक है वो मुझसे एक सवाल पूछे थे रेशियो निकालना है उसमें शेडेड पोर्शन का और उसमें एक डार्क पोर्शन है और एक लाइट शेडेड पोर्शन है सो so वो क्वेश्चन मैंने कराया बट ही वॉज़ आस्किंग फॉर द लिंक दो टू थाउजेंड सेवेंटीन में वो क्वेश्चन आया है सो ही वॉज आस्किंग फॉर द लिंक तो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं ओके लेट्स डू दैट क्वेश्चन ओके okay. तो आप लोगों के डाउट्स जो टेलीग्राम में हैं वो मैं एक बार देख लेता हूँ और आज ज़्यादा डाउट्स डिस्कस नहीं करूँगा ऑलरेडी एक घंटा हो चुका है प्रदुमन का डाउट लूँगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पूछ रहा है उससे मैं कह रहा था कि आप लिंक में देख लीजिए लेकिन ही वॉज आस्किंग फॉर द लिंक लेकिन वो मुझे भी नहीं मिला कि मैंने उसको कब डिस्कस किया है क्योंकि आई हैव डिस्कस्सड इट आई रिमेंबर बट वेन तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अब मैं क्या करूँगा आई एल राइट द क्वेश्चन एज वेल ठीक है डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिखूँगा तो उससे क्या होगा हम लोग उसको ईजिली सर्च कर सकते हैं ठीक है नहीं तो काफ़ी मुश्किल जाता है बाद में सर्च करना तो इनका क्वेश्चन क्या है बेसिकली इसको मैं लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर यू ठीक है आपको रेशियो निकालना है एरियाज ऑफ डार्क एंड शेडेड पोर्शन ठीक है सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू फर्स्ट ठीक है तो कुछ मैथ के डाउट्स हैं वो देख लेते हैं सिंपल से ठीक है तो इसमें डायग्राम मैं बना देता हूँ किस तरीके का है आसान सवाल है ठीक है कैसे करेंगे बट वो आपको समझ में आना चाहिए तो आपको दिया है डायग्राम बनाना इम्पॉर्टेंट है आपको लेट लेट मी ले चेक कि डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा ओके बन जाएगा तो इसमें इसमें एक तो आपका एक क्वार्टर सर्कल है और इसमें दो सेमी सर्कल्स हैं ठीक है तो वो मुझे बनाने हैं। ओके okay. कुछ इस तरीके से और ठीक है अब यहाँ पर एक तो एक तो यहाँ पर सेमी सर्कल है इस तरीके से बन रहा है ठीक है सॉरी क्वार्टर है इस तरीके से ठीक है ओके okay, ये क्वार्टर है ठीक है और उसके बाद अब दो कलर से दिखाता हूँ सो तो दो सेमी सर्कल्स भी हैं अच्छा दिस इज़ पॉइंट ए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ पॉइंट ए ठीक है और ये ओ है और ये पॉइंट बी है ठीक है और उसके अलावा दो और पॉइंट्स हैं सी और डी ठीक है तो सपोज़ यहाँ पर पॉइंट सी है और यहाँ पर पॉइंट डी है ठीक है अब ए से, तो से एक सेमी सर्कल आई एफ टू ड्रॉ ठीक है एक सेमी सर्कल में बनाता हूँ सपोज ग्रीन से ठीक है तो यहाँ से एक सेमी सर्कल मैं ऐसे बनाऊँगा एक सेमी सर्कल बनाइए ठीक है और एक दूसरा सेमी सर्कल बनाऊंगा मैं आ, ओके ये ठीक है बी ओ को डायमीटर मानते हुए इस तरीके से ये ठीक है तो इसमें जो ये शेडेड पोर्शन है कि इसको ब्लैक से मैं दिखाता हूँ ये जो शेडेड पोर्शन है ठीक है आपको क्या निकालना है हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द डार्क एंड शेडेड पोर्शन ठीक है एरियाज ऑफ़ डार्क तो इसका ये जो ये इसको आप डार्क मानो और दूसरा जो जिसको मैं ब्राउन से शेड करता हूँ ये ठीक है आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है ठीक है तो ये वाला जो है इसको आप डार्क मानो और इसको आप शेडेड मानो ठीक है सो व्हाट यू हैव टू फाइंड बेसिकली आपको क्या फ़ाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज़ ऑफ़ एरिया ऑफ डार्क अपॉन एरिया ऑफ shaded ठीक है अच्छा उसके अलावा आपको रेडियस भी दिया है ए ओ बी जो आपका एक क्वार्टर बन रहा है उसका रेडियस दिया है आर यूनिट्स ठीक है तो आर यूनिट्स का मतलब ए ओ ये पूरा आर होगा ठीक है दिस इज दिस होल इज आर और उसके अलावा जो है सेमी सर्कल्स बन रहे हैं जो पॉइंट सी और डी से बने हैं इनका रेडियस आर बाई टू है तो सी ओ तो ये हाफ हो जाएगा आर बाई टू रेडियस क्योंकि हाफ होगा ना ये आर बाई टू इतना हो जाएगा ये इसको भी आर बाई टू लिख सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये भी आर बाई टू और ये भी आर बाई टू ठीक है अब अब आप अप्रोच देखिए आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे ठीक है सी द अप्रोच ओके ओके वन टू वन इज़ द राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही दिया है ओके okay? This I have solved but where I don't know. कौन से वीडियो में मैंने सॉल्व करके बच्चों को बताया है ओके okay, तो क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया हो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ठीक है अब ध्यान से देखिए अब आपको देखो अगर आप एरिया निकालने की कोशिश करोगे मैं आपको कुछ एरियाज बताता हूँ एरिया ऑफ क्वार्टर कितना हो जाएगा ठीक है कुछ फॉर्मलेज मैं आपके लिए यहाँ लिख लूँ सबसे पहले एरिया एरिया ऑफ क्वार्टर ये जो क्वार्टर है पूरा आपका ए बी वन बाई फोर्थ ऑफ सर्कल होता है ना ए बी सो वन बाई फोर्थ वन बाय फोर्थ इंटू एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर रेडियस कैपिटल सॉरी स्मॉल आर ही है पूरा ठीक है सो दिस विल बी द एरिया ऑफ क्वार्टर दूसरा एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना होता है एरिया ऑफ सेमी सर्किल एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल भी हाफ ऑफ सर्किल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर रेडियस लेकिन आर बाई टू है ना ध्यान रखना सो आर बाई टू का होल का स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज गोइंग टू गिव यू वन बाई टू इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर तो ये कहीं ना कहीं वन बाई एट पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है अब आप कोशिश तो बड़ा मुश्किल होगा आपके तो आप ले लीजिए लेट आप किसी भी एक शेडेड पोर्शन या लाइट पोर्शन का आप एरिया ले लीजिए और उससे आप दूसरा निकालिए ठीक है थीके? कैसे लेंगे क्योंकि शेडेड आप वैसे निकाल नहीं सकते इट्स वेरी ये जो शेडेड पोर्शन है ये कोई सर्किल नहीं है ये कोई सेमी सर्किल नहीं है तो इसका एरिया निकालना विल गोइंग टू बी इम्पॉसिबल ठीक है तो ये जो डार्क पोर्शन है इसका एरिया आप सपोज एक्स ले लीजिए एक्स स्क्वायर यूनिट लेट द एरिया ऑफ डार्क पोर्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूनिट्स ठीक है आपने एक्स ले लिया इसका एरिया तो डार्क पोर्शन का आपने एक्स ले लिया अब मैं क्या करूंगा अब डार्क पोर्शन से मैं एरिया निकालूंगा शेडेड पोर्शन का ठीक है तो एरिया ऑफ डार्क तो मैंने एक्स ले लिया मुझे शेडेड निकालना है तो शेडेड कैसे निकालूंगा ध्यान से देखना है इसको अगर आप टोटल क्वार्टर में से ठीक है इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ओके इसको इसको बस आप इतना समझ लोगे ना कि किसको किससे माइनस करना है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ठीक है तो ये तो पूरा क्वार्टर है ये तो पूरा एक एक क्वार्टर है आप इस क्वार्टर में से अगर आपको कौन सा पोर्शन चाहिए शेडेड वाला है अगर आप इस पूरे क्वार्टर में से आप क्या कर लो आप एक तो ये पूरा ये जो सेमी सर्कल है ठीक है ये जो सेमी सर्कल है इसको हटा दो ठीक है और दूसरा जो अभी दूसरा सेमी सर्कल नहीं है दूसरे सेमी सर्कल से ये एक्स तो हट चुका है ठीक है तो इसको मैं आ, आपको ब्लू से दिखाता हूँ तो टोटल रेड वाले पोर्शन में से ये ये येलो वाला पोर्शन हटा दो और ये ब्लू वाला पोर्शन हटा दीजिए इतना पोर्शन तो आपका शेडेड वाला पोर्शन आ जाएगा बस इसका मतलब अगर मैं एरिया ऑफ शेडेड निकालू एरिया ऑफ शेडेड कैसा आएगा एरिया ऑफ शेडेड पूरे एरिया ऑफ क्वार्टर में से एरिया ऑफ क्वार्टर में से आप क्या करेंगे एरिया ऑफ क्वार्टर में से किसको माइनस करोगे एरिया ऑफ आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल एक सेमी सर्कल ले लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जब आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल सपोज इस सेमी सर्कल को मैं सेमी सर्कल वन बोल रहा हूँ ठीक है सपोज दिस इज सेमी सर्कल वन एंड दिस इज सेमी सर्कल टू दूसरे वाले को मैं सेमी सर्कल टू बोलता हूँ अगर अब आप सेमी सर्कल वन और सेमी सर्कल टू को ऐड करोगे जो कॉमन पोर्शन है वो डार्क वाला पोर्शन है वो दो बार आ जाएगा तो उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसको समझना जब आप सेमी सर्कल वन लेंगे तो ये तो पूरा ये जो डार्क वाला पोर्शन है वो भी आ गया ठीक है ये ये वो डार्क वाला पोर्शन है तो ये तो तो आ चुका है तो जब आप दूसरे सेमी सर्कल का एरिया लेंगे तो ये डार्क पोर्शन दोबारा आ जाएगा जो कि एक्स है जिसका एरिया एक्स है तो उसको एक बार माइनस करेंगे बस ठीक है सो एरिया ऑफ शेडेड कैसा आ जाएगा एरिया ऑफ क्वार्टर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल वन प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल सेमी सर्कल टू माइनस वो एक वाला एरिया दो बार आ चुका है तो उसको एक बार माइनस करेंगे ये आपको समझना है बस ओके सो एरिया ऑफ क्वार्टर एरिया ऑफ क्वार्टर कितना था अभी हमने देखा था वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर माइनस अच्छा एरिया ऑफ सेमी सर्कल वन और एरिया ऑफ सेमी सर्कल टू अगर हम दो सेमी सर्कल्स को ऐड करेंगे दो दो सेमी सर्कल के एरियाज को तो एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई पाईआर स्क्वायर ओके, okay. लेकिन रेडियस आर बाई टू है उसका भी आपने ध्यान रखना है ठीक है तो आप इसको वन बाई एट पाई आर स्क्वायर प्लस वन बाई एट करेंगे तो इट विल गोइंग टू गिव यू वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर ओनली ठीक है तो वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा दोनों को दोनों को ऐड करके ठीक है माइनस एक्स भी आ जाएगा ठीक है तो यहां से इफ यूल ओपन दिस ये आ जाएगा वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर माइनस वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पोर्शन ये पोर्शन कैंसिल होकर एक्स आ रहा है इसका मतलब जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ रहा है वो भी एक्स ही आ रहा है एरिया ऑफ शेडेड भी कितना आ रहा है एक्स आ रहा है और एरिया ऑफ डार्क भी कितना आ रहा है जो हमने एक्स लिया था एरिया ऑफ डार्क भी हमने कितना लिया था एक्स स्क्वायर यूनिट्स तो जो दोनों का रेशियो आएगा सेम एरियाज हैं अगर तो रेशियो कितना आएगा ओके okay? तो इसका रेशियो निकालना है तो एक्स अपॉन एक्स इज़ इकू वन अपन वन और यू कैन से वन इज टू वन दिस विल बी द आंसर ठीक है तो तो मैंने ये सवाल आई डोंट नो मैंने कब आप लोगों को समझाया था ठीक है सो आई होप कि प्रदुमन क्योंकि प्रदुमन वाज़ आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये सवाल ऑलरेडी बताया है ठीक है इसलिए मैं कह रहा था कि आप लिंक देखिए लेकिन वो मुझे खुद नहीं मिला तो मुझे लगा कि बच्चों को भी नहीं मिलेगा ठीक है ओके इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं डाउट्स के जो बच्चों के आ रहे हैं ठीक है काफी और क्वेश्चन हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं जिसमें आई होप कि ये सवाल समझ में आया हो इट्स नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हाँ मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल तरीके से डायग्राम से समझाया तो थोड़ा सा शायद से आपको लगे तो ब्राइट ट्विन स्टार के काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं ठीक है हृदय नमूला के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ओके तो एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट ठीक है फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे ठीक है अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं हृदय के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आ, आपके आ, ब्राइट ट्विन स्टार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं ठीक है आज के लिए फिर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे ठीक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें से विच वन आई शुड टेक ओके ठीक है अच्छा एक बड़ा अच्छा लॉजिकल सवाल है इसको ले लेते हैं देर इज देर इज अ सेमी सर्कल थिन शीट ऑफ मेटल क्योंकि अभी हमने सेमी सर्कल देखा था तो वही वाला सवाल ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर थ्री जो हृदय ने पूछा है ठीक है अ सेमी सर्कल थिन शीट ऑफ अ मेटल Of a metal of diameter of of diameter uh, 28 centimeter, okay. This much is clear. 28 centimeter is bent. Is bent and and an open conical cup is made. कोनिकल कप इज मेड आपको उसका कैपेसिटी निकालनी व कैपेसिटी वट इज कैपेसिटी ऑफ द कप कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम ठीक है ओके वट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी वॉल्यूम तो बड़ा आसान सवाल है ठीक है अब आप इसको समझना है बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है ठीक है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं अगर आपने कभी इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड इन ट्रेन और बसेस तो आपने देखा होगा कि कभी कोई मूँगफली बेचने वाला कोई चने बेचने वाला आता है तो उसके पास एक पीस ऑफ पेपर होता है वो आपको एक कोनिकल कप बना के देता है उसमें uh, मूँगफली हो गया चने हो गए सारे चीज़ें डाल के आपको देता है ठीक है तो आपको ये समझना है कि आप कैसे उसको रोल करेंगे हाउ यू गोइंग टू रोल इट ठीक है ताकि एक कोन बन जाए ठीक है तो एक सेमी सर्कल है मैं एक सेमी सर्कल आपको बना के दिखाता हूँ ओके सो सपोज दिस इज़ अ सेमी सर्कल ओके इसको आप किस तरीके से रोल करेंगे हाउ विल यू विल गोइंग टू रोल इट ताकि ये कौन बन जाए ये आपको समझना है बस ठीक है मेहरप्रीत इज सर आई थिंक यू विल प्रोवाइड द कटिंग एज आफ्टर द एग्ज़ाम तो मेहरप्रीत बिल्कुल सही बोल रहा है तो मेहरप्रीत को आफ्टर एग्जाम हम लोग कटिंग एज दे देंगे ठीक है मेहरप्रीत सो so, मेहरप्रीत इज सेइंग कि सर मुझे कटिंग एज आप एग्जाम के बाद दे दीजिएगा ठीक है सो आई गिव मेहरप्रीत कटिंग एज आफ्टर द एग्ज़ाम ओके ओके चलो अब इसको आप किस तरीके से रोल करेंगे वो आपको समझना है ठीक है ओके okay. अच्छा पहले इसके बारे में आपको क्या क्या दिया है यू शुड नो दिस दैट अ सेमी सर्कल थिन शीट ऑफ अ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर ठीक है सपोज दिस इज़ पॉइंट ए और दिस इज़ पॉइंट बी ओके एंड इट इज बेंट ओके अच्छा अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन कर लेंगे इफ यिल ज्वाइन पॉइंट एन पॉइंट बी तो कौन बन जाएगा आप घर पे ट्राई कर सकते हैं ठीक है ओके आप घर पे ट्राई कर सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को इफ यिल ज्वाइन इट विल बिकम अ कोन और आपको उस कोन का क्या निकालना है यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट कोन कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ओके okay. तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा ऐसे ओके okay, ऐसे एक ओपन कोन बनेगा ऐसे अच्छा अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है ये जो इतना ये जो इतना पात है विच इज नथिंग बट हाफ द सर्कम्फ्रेंस ठीक है, जिसको हम पाईर बोलते हैं दिस विल गोइंग टू बिकम दिस ओके और जब आप एबी को मर्च करोगे ठीक है ओके okay, सेंटर से जब एबी को मर्च करोगे तो दिस दिस विल गोइंग टू बी फोर्टीन सेंटीमीटर ओके हाफ ऑफ दिस हाफ ऑफ 28 ठीक है दिस इज अ सेंटर पॉइंट ओके ए और बी को जब आप करोगे सेंटर पॉइंट का मतलब दिस इतना कितना है 14 है तो ये यहाँ पर क्या बनेगा एल slant हाइट 14 आपका काम है इसका रेडियस निकालना ठीक है और फिर हाइट निकाल लेंगे अच्छा रेडियस कैसे निकालेंगे? You यू शुड नो इसका जो सरकम हो जाएगा सरकम तो नहीं कहेंगे हाफ ऑफ सरकम कहेंगे दैट विल बी नथिंग बट टू पाई आर का हाफ सो दैट विल बी पाई आर सो दैट विल बी ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर रेडियस इज फोर्टीन ठीक है तो सेवन टू ज फोटीन कितना आ गया फोर्टी फोर सेंटीमीटर तो वो जो फोर्टी फोर सेंटीमीटर है ये जो पूरी लेंथ होगी इसकी सरकम कह सकते हो आप बेस की कोन के बेस की दैट विल बी फोर्टी फोर सेंटीमीटर और यहाँ पर तो ये पूरा क्या है ये पूरा सर्कल जैसा है बेस सपोज ये अगर इसका रेडियस है ठीक है इसको आप कैपिटल आर ले लो तो यहाँ से जो सरकम फ्रेंस आएगा टू पाई आर कैपिटल टू पाई कैपिटल आर विल गोइंग टू गिव यू फोर्टी फोर और यहाँ से कौन का रेडियस आ जाएगा ठीक है एंड इट्स रेडियस विल बी सो टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर टू फोर्टी फोर से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी टू टू टाइम्स टू और टू कैंसिल आर आ जाएगा सेवन सेंटीमीटर ओके इतना क्लियर है सरकम आ गया फोर्टी फोर सर्कम फ्रेंस फोर्टी फोर आ गया तो रेडियस आ गया ओके okay. स्लैंड आपको पता है स्लैंड हाइट एल होता है आप इजली हाइट निकाल सकते हैं ओके एल इज गिवन टू यू नाउ तो ये जो फोर्टीन सेंटीमीटर है, आपको देखना है कि ये फोर्टीन ये कैसे स्लैंड हाइट आई ठीक है ओके आप जब उसे फोल्ड करोगे ना इस तरीके से ऐसे सपोज ठीक है इस तरीके से देखेगा आपको कुछ दिस इज़ पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी ठीक है इस तरीके से दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये पॉइंट ए और बी आपस में मिल जाएंगे ठीक है और स्लैंड हाइट कितनी हो जाएगी फोर्टीन ठीक है अब एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा दिस हाइट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ओके और वॉल्यूम ऑफ कौन आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है सो दिस इज एच ठीक है आर हमें मालूम पड़ेगा सेवन है हाईपोटिन्यूज इज फोर्टीन सेंटीमीटर विच इज़ एल ठीक है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से जिसमें ये तो एच है ये स्लैंड हाइट है और ये रेडियस है ओके okay? तो रेडियस हमें कितना दिया है रेडियस हमें दिया नहीं हमने कैलकुलेट करा सेवन हाइट हमें निकालनी है ये हमें दे रखा फोर्टीन सेंटीमीटर सो फ्रॉम हेयर दिस इज़ नाइन्टी डिग्री सो फोटीन स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज सेवन स्क्वायर तो यहां से एच निकालो एच स्क्वायर विल बीज इक्वल टू कैलकुलेट एच कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर वाई बिकॉज वाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कौन वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच ठीक है सो वन बाई थ्री पाई की वैल्यू होती है ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू रेडियस हमने ऑलरेडी कौन का निकाला है सेवन सेवन इंटू सेवन इंटू एच यू हैव टू कैलकुलेट ओके तो एच की वैल्यू कितनी आएगी सो एच स्क्वायर विल बी फोर्टीन स्क्वायर माइनस सेवन स्क्वायर तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं सो दैट विल गोइंग टू गिव यू ए प्लस बी ए माइनस बी ना ओके सो ए प्लस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है फोर्टीन प्लस सेवन विल गोइंग टू गिव यू ट्वेंटी वन ओके और ए माइनस बी विल गोइंग टू गिव यू सेवन तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन इंटू सेवन वन फोर्टी सेवन ओके ओके और h और आप रूट निकाल के ठीक है रूट ऑफ 147 ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इज वन फोर्टी फोर ओके तो आप उस एच की वैल्यू यहां पर रखिए इजली कैलकुलेट ओके आई होप कि आप एच निकाल लेंगे और उस वैल्यू को रख के आप इजली कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है वॉल्यूम ऑफ कोन. देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आर सी एग्जाम ओके चलो ठीक है सो आई होप की रिमेनिंग आप लोग कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया सो वन क्वेश्चन आईव टेकन ऑफ हृदय नोमुला ओके सो दट्स ऑल फॉर टूडे बाकी के जो डाउट्स हैं उनको हम देखेंगे ओके okay? एंड डोंट वरी अबाउट कटिंग एज आपको सही टाइम में मिल जाएगा ठीक है यू विल नॉट यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन कटिंग एज बेसिकली एक बार रेट करोगे तो फोर ऑप्शंस विल गोइंग टू कम ठीक है ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे सो सी इन द नेक्स्ट सेशन बाय ऑल द बेस्ट गुड नाइट ओके